वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। असी आम तौर पर सोचते हाँ कि असी धार्मिक कर्म करिए। धार्मिक कर्म करन दे पिछे साडा मनोरथ इको खलोता हुंदा है कि अजिहा कुछ करन दे नाल रब साडे ते बड़ा खुश हुंदा है। मैं एक फकीर की जीवनी पढ़ी, मुसलमान फकीर सी, रब की इबादत करन वाला, रब की बंदगी करन वाला सी। ईद का दिहाड़ा आ जो कि मुसलमानों के बड़ा सत्कारित है। ईद मनाने वास्ते घर तो चले ने, रस्ते वेखते नहीं एक गरीबड़ा जहा बच्चा जिंदे तन के उपर कपड़े भी नहीं, पैर तो नंगा आया। जो उस बच्चे वेख्या तो पुछ बैठे, कहिंदे काका तेरे को वस्त्र नहीं, कपड़े नहीं, पैरों के पाउण वास्ते जुत्ती नहीं। बच्चे ने दस्या, कहन लगे मेरे माई बाप नहीं, मैनू इस जहान तो छड के चले गए ने, तो जिन्हों का कोई नहीं हुंदा उन्हां दे तन उन्हां दे पैर इवें नंगे ही रहिंदे ने। मन दे विच बड़ा वैराग आया। आप उस बच्चे वास्ते उस ईद दे दिहाड़े ते खंजूरां कठियां कर करके उन्हां खंजूरां नूं वेचना शुरू कर दिता। नाल दे साथियों ने पुछा, कहन लगे फकीर जी अज मुसलमानां लई एडा वड्डा दिन आ, ईद दा दिहाड़ा आ, ते तुसीं खंजूरां वेचदे पए हो, तुहानूं खुदा नाल प्रेम नहीं? अगो फकीर जी कहन लगे, भलिया जे खुदा नाल प्यार है, अल्लाह नाल प्यार है, तद ते खजूरा वेचदा पिया हाँ। वेखते सही अज खुदा मेरे सामने इस रूप दे विच प्रगट होया आ कि उन्दे तन ते कपड़े नहीं, उन्दे पैरां दे विच जुत्ती नहीं। तो मेरा अंदर कहिंदा आ जे मैं इस बच्चे की अज सेवा कर ली, मेरे उपर खुदा जरूर प्रसन्न होएगा, भावें मैं अज ईद दे दिहाड़े ते मस्जिद हाजरी भरा या ना भरा। असल दे विच यही सच्ची सिख्या है, जे असी किसी लोड़वंद दुखिए की बाँह फड़ांगे तो रब साढ़े ते बड़ा खुश हुंदा है, ते सतगुरु कृपा रहमत करन साढ़े अंदर ये भावना बनी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।